वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हे एवरीवन, माय नेम इज रिमी, वेलकम टू जॉय ऑफ रिम्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने दो बेस्ट फेवरेट सनस्क्रीन लोशन के रिव्यू, जो कि मैं बहुत दिनों से मैं इसे यूज कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद आया तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। वैसे तो मैं एक ही सनस्क्रीन काफी सालों से लगा रही हूँ, मगर एक दो महीने से मैंने एक नया सनस्क्रीन लोशन मैंने ट्राई किया है तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरे को लगा कि मुझे दोनों ही सनस्क्रीन लोशन जो मेरे फेवरेट सब हो चुके हैं वो आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे हैं और आपने अभी तक मेरा बेस्ट सनस्क्रीन लोशन फॉर किड्स वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें भी मैं अपने दो बेस्ट सनस्क्रीन लोशन का मैंने रिव्यू किया है जो मैं अपने बेबी को लगाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहला सनस्क्रीन लोशन मैं दिखाना चाहती हूँ, ये है काया का SPF 30 डेली यूज सनस्क्रीन लोशन, जो कि काफी अच्छा है। इसे मैं ऑलमोस्ट 2 और 2.5 ईयर से मैं इसे यूज कर रही हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा। तो इस सनस्क्रीन लोशन के साथ मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि मैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मॉल जाती हूँ, या फिर मैं स्विमिंग वगैरह भी मैं जब करती थी तो उस टाइम पे मैंने इसे यूज किया है। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे कभी भी जरा से भी टैनिंग नहीं हुई है सिर्फ और सिर्फ इस सनस्क्रीन लोशन के कारण। अगर एक दिन भी मैं सनस्क्रीन लोशन, मान लीजिए मैं गलती से मैं भूल गई, तो उस टाइम पे मेरे को टैनिंग एकदम साफ साफ मुझे दिखने लगती थी। मेरे को इतना ज्यादा विश्वास नहीं था इन सब सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पहले भी और सारे सनस्क्रीन लोशन यूज कर चुकी हूँ। मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मुझे कभी नहीं दिखा जितना मेरे को इस काया के सनस्क्रीन लोशन से मुझे रिजल्ट मिला है। तो मैं दो दो तीन तीन घंटा, चार चार घंटा मैं बाहर रहती हूँ, धूप में कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर मैंने आपको बताया कि मैं स्विमिंग करने जाती थी, तो उस टाइम पे तो 3-4 घंटा पूल पे रहना बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में मैं सिर्फ एक बार ही मैं लगाती थी 3-4 घंटे के लिए, और आके देखती थी बिल्कुल भी ज़रा से भी टैनिंग नहीं होती थी, और बाकी सारे लोग जो रहते थे मेरे को साफ साफ उनकी टैनिंग दिखती थी। तो उससे मैं अपने आप को कंपेयर करके मैं देख सकती थी कि यार सच्ची में ये मेरा सनस्क्रीन लोशन का ही कमाल है और किसी चीज का नहीं। तो इसलिए मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी, अगर आप कोई अच्छा सनस्क्रीन लोशन अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि इस सनस्क्रीन लोशन को आप जरूर लगाएं। चाहे आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो, या फिर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, या फिर ड्राई है, तो ये एक कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये एकदम परफेक्ट सनस्क्रीन लोशन है। तो इस सनस्क्रीन लोशन की एक और खास बात है, इस सनस्क्रीन लोशन को आप लगाइए और उसके बाद आपका स्किन इतना ग्लो करेगा कि आपको कोई सा भी आपको क्रीम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस टाइम पे भी आप मुझे देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप किया हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डेली यूज में भी मैं सिर्फ सनस्क्रीन लोशन लगाती हूँ, और यहाँ पे भी मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लोशन लगाया हुआ है और कुछ भी अपने फेस पे मैंने ट्राई नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ही आपको दिखने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं लगती है एकदम, और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है। ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मेरे को लगता है एकदम परफेक्ट है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए भी मेरे को लगता है कि काफ़ी सही होने वाला, क्योंकि काया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्ने प्रॉन्स वाले लोग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है तो कोई डाउट नहीं है कि आपको रिएक्ट करेगा। हाँ, मुझे स्टार्टिंग में मुझे 3-4 दिन जब मैं इसको अप्लाई करना मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 3-4 दिन थोड़ा इचिंग सा मेरे को फील होता था अपना स्किन, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि मैं जितने भी सनस्क्रीन लोशन मैं यूज करती हूँ स्टार्टिंग में मेरे को हर कोई लगता था। तो इसलिए मुझे लगा कि इसे भी ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता 3-4 दिन में ठीक हो जाए। तो उस केस में जब मैंने किया तो 3-4 दिन बाद मेरी स्किन जो है नॉर्मल हो गई। तो फिर उसके बाद ये सनस्क्रीन लोशन एकदम मुझे परफेक्ट लगने लगा। फिर पता नहीं क्यों, ये मैंने काफ़ी लोगों से भी पूछा, तो अगर जो इसे यूज़ करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। किसी किसी को तो 2-3 वीक्स भी लगा है, मगर मेरे केस में 3-4 दिन तक मुझे थोड़ी इचिंग का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मैं डेली से यूज़ करने लगी तो नॉर्मल हो गया। तो इसको मैं आपको ओपन करके एक बार दिखाती हूँ खोल के कि ये कैसा दिखता है। तो ये यूं लगाने के बाद इस तरीके का
दिखेगा और आप नोटिस करेंगे कि आप जैसे ही लगाए हैं और उसके बाद एकदम फेयरनेस क्रीम वाली जो ग्लो आती है ना, बिल्कुल वो वाली ग्लो आपको दिखने लगेगी। तो इस सनस्क्रीन लोशन को आप किसी भी वेदर पे आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सनस्क्रीन लोशन है। ये जो बॉटल है ये 75 ml का है और इसकी जो MRP लिखी गई है वो 770 rupees लिखी गई है और हो सकता है ये अमेजोन और नायका में थोड़ी कम रेट का आपको मिल जाए। तो चलिए अब मैं अपने दूसरा सनस्क्रीन लोशन दिखाती हूँ जो अब मेरा फेवरेट वो भी बन चुका है। तो ये है ममा अर्थ का हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन लोशन जिसमें है एलोवेरा और रेस्बेरी और ये जो है पैराबेंस और सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये भी सारे ही स्किन टाइप्स के लिए सूट करेगा और ये SPF 50 है और 50 ग्राम्स की बॉटल है जो कि 399 rupees की पड़ेगी। तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये ओपन करने में कुछ इस तरीके की दिखती है। आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 months से मैं इसे यूज कर रही हूँ और ऑलमोस्ट ये खत्म भी होने वाला है। तो ये सनस्क्रीन लोशन ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है और जेल फॉर्मूला बेस्ड है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जैसे कोई कोई को प्रॉब्लम होती है कि सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली सा लगता है, ऐसा फील होता है उनको कि वो सनस्क्रीन लोशन जो है अपने फेस पे लगाए हुए हैवी हैवी सा फील होने लगता है, तो उस केस पे मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला सनस्क्रीन लोशन आप जरूर ट्राई करें। बहुत लाइट सा आपको फील होगा लगाने में। तो एक बार मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये आप सनस्क्रीन देखेंगे कि ये मैंने एक ड्रॉप लिया है, आपको यहाँ पे क्रीम टाइप का ही दिखेगा कि क्रीम टाइप का ही इसका टेक्सचर है। तो ये क्रीम टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, ये जेल बेस्ड जो है सनस्क्रीन लोशन है और बहुत लिक्विड सा सनस्क्रीन लोशन। जैसे एलोवेरा जेल अगर आप लोगों ने यूज किया है तो ये मैं बोल सकती हूँ ये उसका सब्स्टिट्यूट है। तो उसी टाइप का है, एकदम लाइट वेट। एलोवेरा जेल लगाने के बाद आपको फ्रेश सा फील होता है ना, तो सेम अगर ये वाला सनस्क्रीन लोशन अगर आप अपने फेस पे लगाते हैं तो आपको भी एकदम सेम फीलिंग आने वाली है। सनस्क्रीन लोशन आपको UVA UVB रेस से आपको बचाएगा। सनस्क्रीन लोशन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सिर्फ बाहर जा रहे हैं तभी आपको यूज करना है, अगर आप घर पे भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लोशन लगा के रखना चाहिए। अगर सनस्क्रीन लोशन अगर आप डेली बेसिस पे आप यूज करेंगे तो आपको कभी भी टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और स्किन आपकी बहुत नरिश रहेगी और बहुत अच्छी लगेगी आपकी स्किन। तो मैं डेली बेसिस पे कभी कोई क्रीम लगा लिया करती थी तो मैं उसे लगाना मैंने अभी अवॉइड कर दिया है और सिर्फ मैं सनस्क्रीन लगाना ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे सनस्क्रीन लगाने से मुझे काफी अच्छा लगता है, मुझे इसके रिजल्ट मुझे काफी अच्छे दिखते हैं, मेरे स्किन बहुत अच्छी दिखती है, नरिश दिखती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं दो क्रीम लगाने का मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई भी क्रीम अगर मैं सोचती हूँ खरीदने से पहले तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लोशन ही आता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लोशन पे। इसलिए मैं चाहे घर पे रहूं या फिर बाहर जाऊं मैं उस केस में मैं सनस्क्रीन लोशन ही लगाती हूं। तो इसलिए मैंने इस काया के साथ साथ मैंने इस वाले सनस्क्रीन लोशन को भी एक बार ट्राई किया। तो आजकल मैं डेली बेसिस में ये मैं ममा अर्थ वाला सनस्क्रीन लोशन 2 महीने से मैं ज्यादा लगा रही हूँ क्योंकि ये जेल बेस्ड है तो मेरे को ज्यादा लाइट सा फील होता है। तो इसलिए मैं डेली यूज के क्रीम की जगह मैं आजकल ये लगा रही हूँ और अगर कहीं मुझे बाहर जाना होता है कुछ फेयरनेस टाइप का क्रीम जब मुझे लगाना होता है तो उस केस में मैं ये वाला सनस्क्रीन लोशन लगाती हूँ। और ये वाला सनस्क्रीन लोशन तो ऑल टाइम फेवरेट है और इसे भी मैं जब घर पे लगाती थी तो मुझे ऐसा मतलब हैवी सा कभी फील नहीं होता था, बस ये जेल बेस्ड है तो इसलिए मेरे को कुछ ज्यादा अच्छा लगता है लगाना और थोड़ा ठंडक सा फील होता है। तो अगर आप लोग भी कोई अच्छा सनस्क्रीन लोशन अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि इन दोनों में से कोई एक सनस्क्रीन लोशन आप लोग जरूर परचेज करें क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा और सनस्क्रीन लोशन पे इन्वेस्ट करना तो वर्थ है। और मेरे को लगता है कि हर किसी के पास सनस्क्रीन लोशन होना चाहिए, चाहे बच्चा हो या फिर बड़ा हो। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस में आपको 4 hours में ही सनस्क्रीन आपको रीअप्लाई भी करना होगा। अगर अप्लाई आप करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वरना उस सनस्क्रीन लोशन का जो इफेक्ट होगा वो सब सारा चला जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय।